हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं रूम टूर हमारे उदयपुर स्टे का। हमने उदयपुर में स्टे किया था होटल रिजेंटा सेंट्रल में, जो कि है ऑलमोस्ट सिटी सेंटर में। यहाँ से ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ही पास है, कुछ टू तीन थ्री टू दो से तीन किलोमीटर्स किलोमीटर के के डिस्टेंस पे, और आपको हार्डली 15 मिनट लगता है जाने के लिए। और यहाँ पे कुछ बहुत ही पुराने और बहुत फेमस स्वीट शॉप्स भी है, जहाँ पे आप कचौरी और स्वीट्स का आनंद ले सकते हैं। सो ये जो है ये कोर्ट के पास में है, ये उदयपुर में। एंड बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, जो प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी है। तो चलिए आपको एक रूम टूर देता हूँ हमारे रूम का। हमने ऑप्ट किया था यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्वीट बिकॉज़ हमें थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए था, बेबी के काफ़ी सारे सामान था जो हमें लगाना था, एंड इसीलिए हमने एक थोड़ा सा बड़ा रूम चूज़ किया था। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस प्रॉपर्टी के जो रूम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूर अपने उदयपुर के स्टे के टाइम पे ये प्रॉपर्टी को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको देता हूँ एक क्विक रूम टूर। ये है यहाँ की लिफ्ट लॉबी। यहाँ पे दो लिफ्ट्स हैं, और फिर ये एक ब्यूटिफुल एरिया है जो सेंट्रली ऐसे सिचुएटेड है अलॉन्ग दी रूम्स। दोनों तरफ रूम्स हैं यहाँ पे, और दिस इज़ द एंट्रेंस टू आर रूम। हम लोग अंदर जाएंगे तो ये एक सिटिंग एरिया है जिसमें एक काउच है, एक टेबल, दो काउच है, एक टेबल है, और ये एक लिविंग रूम टाइप का है। अंदर जाने पे यहाँ पे वार्डरोब दिया है, काफ़ी फंक्शनल है, विथ फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, एंड यहाँ पे एक सेफ भी है, तो काफ़ी यूज़फुल है। आयरन भी इन्होंने दे के रखा है, एक आयरनिंग बोर्ड भी दे के रखा है, एडिशनल पिलो भी यहाँ रखा हुआ है। सो ये सब चीज़ें हैं। इधर अगर देखेंगे तो एक जो वॉशरूम है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, एंड विथ अ बाथटब एंड अ शावर एरिया। सो काफ़ी अच्छा है ये एरिया बिकॉज कई बारी होटल्स में बाथटब रहता है और शावर एरिया नहीं रहता। सो ये काफ़ी फंक्शनल है, एक बड़ा सा मिरर, और फिर आगे जाके यहाँ पे बाकी जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पेस है रूम में, काफ़ी स्पेस है घूमने के लिए। तो मुझे एक ज़्यादा स्पेस वाला रूम इसीलिए चाहिए था क्योंकि बेबी को सुलाने के लिए कई बार घूमना पड़ता है, तो वो भी एक रीज़न था कि थोड़ा बड़ा रूम चूज़ किया था। प्लस काफ़ी सामान रहता है हमारा, जैसे स्टेरलाइज़र और उसका खाना कुक करने के लिए एक छोटा सा मल्टी कुक हीटर है, तो वो भी चीज़ें हमने इंस्टॉल करी हुई है यहाँ पे। और बाकी अगर आप देखेंगे तो रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये हमारा थर्ड डे ऑफ द स्टे है, हमने 4 दिनों के लिए बुक किया था, और डेली हाउसकीपिंग ने काफ़ी अच्छे से साफ़ करके रखा है रूम को, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। पानी की यहाँ पे बॉटल्स हैं जो आप उनको बोल सकते हैं फिल करने के लिए, क्लीन वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, एंड बाकी ये सब जो भी फैसिलिटीज़ है वो नॉर्मली जो अवेलेबल रहती है वो सब है यहाँ पे। तो ओवरऑल एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है ये, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी प्रीमियम टाइप की प्रॉपर्टी है। एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है तो आप सेट कर सकते हैं टेम्परेचर, एंड आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर कुछ 14 डिग्रीज 13 डिग्रीज है अभी इस टाइम पे, और अंदर 24 डिग्रीज है, तो काफ़ी अच्छा है। एंड ओवरऑल अगर अब मैं बोलूँगा तो आई वुड रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी फॉर फ्यूचर स्टेज। हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ में ये रूम ऑप्ट किया था, तो ब्रेकफास्ट और डिनर का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। स्प्रेड थोड़ा लिमिटेड है बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इट्स मच मच बेटर। ये देखिए हमारा बेबी अभी खेल रही है तो शी इज़ लविंग द प्लेस ऑल अराउंड, वो कुछ ना कुछ करती रहती है टाइम पास, और उसके पीछे हम लोग लगे रहते हैं। होटल के रेस्टोरेंट का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था और यहाँ पर काफ़ी क्लीननेस मेंटेन की गई थी। हर
हालांकि ये होटल 4-स्टार डीलक्स कैटेगरी को बिलोंग करता है, बट यहाँ पर जो रेस्टोरेंट में फूड स्प्रेड था वो काफ़ी लिमिटेड था। इसके अलावा सिंस हमारा स्टे यहाँ पे 4 दिनों का था, हमने ब्रेकफास्ट और डिनर ऑप्ट किया था, बहुत सारे रेपिटेशन ओवर द पीरियड ऑफ 4 डेज हमें देखने के लिए मिले थे। काफ़ी सारे फूड आइटम्स थे जो रिपीट हो रहे थे 1-2 दिन छोड़ के। इसके अलावा रिजेंटा सेंट्रल का जो इन रूम डाइनिंग मेनू है वो भी काफ़ी लिमिटेड है, आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं टू ऑर्डर अगर आप इन रूम डाइनिंग करना चाहते हैं तो। होटल की वाइब काफ़ी लाइवली है और यहाँ का एम्बियंस आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप उदयपुर में स्टे करना चाहते हैं तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल ऑप्शन फॉर यू टू बुक। यहाँ की लॉबी भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल है, हालांकि हमें रूम सर्विस काफ़ी स्लो लगी थी ड्यूरिंग आवर स्टे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर ये यूज़फुल लगा होगा तो डू हिट द लाइक बटन। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहते हैं जहाँ पे हम अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, रोड ट्रिप एक्सपीरियंसेस और स्टे एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ चैतन्या साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर।